নদিয়ার চাপড়া সীমান্তবর্তী এলাকার যুবকদের জন্য বিএসএফ এর পক্ষ থেকে অস্ত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। নদিয়া জেলার সীমান্ত পাহারা দেওয়ার পাশাপাশি সীমান্ত এলাকার যুবকদের সেনাবাহিনী ও নিরাপত্তা বাহিনীর প্রতি সচেতনতা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী সময় সময় বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করে থাকে। এদিন কর্মসূচিটি অনুষ্ঠিত হয় চাপড়ার বাঙালজি মহাবিদ্যালয়ে। কমান্ডেন্ট 82 ব্যাটালিয়ন হুঁ। আজ আজাদি কে অমৃত মহোৎসব কে ক্রম মে जो अभियान चल रहा है पूरे देश में 75वीं वर्षगांठ मनाने के क्रम में विभिन्न कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम है अपने आप को फोर्स को बच्चों के नज़दीक ले जाना, उनसे जुड़ना, उनके क्यूरियोसिटी जो उत्कंठा होती है उसको पूरा करने के लिए 82 बटालियन ने एक वेपन के प्रदर्शनी का आयोजन किया है। अभी ये कॉलेज चपड़ा कॉलेज में आयोजित किया गया है जिसमें 82 बटालियन ने सारी तरह के हथियार प्रदर्शित किए हैं। बच्चों में अभी काफ़ी उत्कंठा देखी जा रही है, काफ़ी वो इंटरेस्ट ले रहे हैं जो अच्छा लग रहा है। यहाँ के आम नागरिक भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, बारी बारी से आकर इसका अवलोकन कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। इसका हमारा उद्देश्य जो है यहाँ के आम पब्लिक से जुड़ने का, उनमें अब फोर्स के प्रति जो दुर्भावना आदि रहती हैं उसे दूर करने का, तो यह में एक कार्यक्रम सफल है। मैं धन्यवाद करता हूं जो भी मीडिया कर्मी यहां आए जो कवर कर रहे हैं उन्हें भी धन्यवाद करता हूं। आप নদিয়া থেকে মাধব দেবনাথের রিপোর্ট, আনন্দবার্তা।